सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती जनपद के जमुनहा इलाके के मधवापुर घाट के करीब सड़क राप्ती कटान करती हुई तेजी से बढ़ती रही और जिला प्रशासन चैन की नींद सोता रहा। अगर प्रशासन समय पर जाग जाता तो शायद यह हालात न होते, तस्वीरें कुछ और होती। लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही या चूक हुई, जिसके चलते आज लोग परेशान हैं। आखिरकार करीब करीब पूरी सड़क कटान की भीड़ चढ़ गई और मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। अंतिम समय में प्रशासन ने प्रयास शुरू किया है, परंतु इसे बचाया नहीं जा सकता, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि आज यहाँ पर पहुँचकर पूर्व सांसद ददन मिश्रा ने स्थल का निरीक्षण किया और शासन प्रशासन से समस्या के बारे में बात करने की बात कही। श्रावस्ती जनपद के जमुनहा इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर 2 अगस्त की रात से सड़क किनारे कटान तेज हुई थी। 4 दिन के बाद 2-लेन सड़क का तिहाई हिस्सा नदी में समा चुका है। कई पेड़ व जाल के भीतर बोरियों में भरे ईंट के टुकड़े डालकर कटान को रोके जाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से कटान रोकने की नाकाम कोशिश की जा रही है। 2 JCB, दर्जनों ट्रैक्टर, सैकड़ों मजदूर भी जी जान से जुटे हुए हैं, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही है। जिले के अधिकारियों ने भी अब दौरा किया है। ग्रामीण PWD विभाग पर मनमानी का आरोप भी लगा रहे हैं। बंदरहा बाबा कुट्टी के उत्तर ठोकर बनाने की बात कही जा रही है, तभी नदी की धारा में बदलाव संभव है। सड़क के कटने से कई दर्जन गाँव का संपर्क मार्ग भी टूट चुका है। लोग कई किलोमीटर घूमकर जाने को मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं। श्रावस्ती जनपद के जमुनहा इलाके का यह पूरा मामला है। तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार लोग परेशान हैं और कैसे यहाँ की कटान को देखने के लिए लोग इकट्ठा हैं। हालाँकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कटान रोकने की व्यवस्था की जा रही है। हरे भरे पेड़ों को काट काट कर नदी में डाला जा रहा है, पर सफलता हाथ लगती नहीं आ रही। स्थानों पर सड़क कुछ ही फीट बची है। सड़क के कट जाने से मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। यहाँ पर कटान रोकने के प्रयास लगातार जारी हैं, मात्र पैदल ही किसी तरह लोग निकल पा रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर नाव का संचालन भी शुरू हो गया है, जिसका भी लोग सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, मधवापुर पुल के पास की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आज पूर्व सांसद ददन मिश्रा मौके पर पहुँचे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को रूबरू जानने का प्रयास किया। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। लेकिन ये तो दैवीय आपदा है। अब जब समय पुल बना था तो क्या मालूम था कि नदी इतनी धारा मोड़ करके इधर आ जाएगी। तो बहरहाल जो स्थिति है सामने है, वर्तमान परिस्थितियों में जो भी संभव है हमारे प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शासन को भी इस समस्या के बारे में अवगत करा दिया गया है। शासन के निर्देश पर ही जो है फौरी रोकथाम का काम चल रहा है। बाकी जो है IIT BHU से रिक्वेस्ट किया गया है हमारे प्रशासन के द्वारा, वहाँ की टेक्निकल टीम पहले पक्षों में आकर स्थिति की अपनी रिपोर्ट देख ली गई। डिटेल रिपोर्ट के आधार पर जो है उसका आकलन बना करके शासन की समझ प्रस्तुत करके जो है बजट मांगा जाएगा। फौरी उपाय है कि जो है किसी तरह से इसको कटान को रोका जाए, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी IIT BHU से बात हुई है, वहाँ की टीम आएगी, इसको स्टडी करके रिपोर्ट देगी कि जो है इसको चुकी है, टेक्निकल मामला है। तो टेक्निकल टीम आकर के जो है स्टडी करके रिपोर्ट देगी कि जो है इसको किस तरह से परमानेंट सोल्यूशन क्या है, इसका कैसे रोका जा सकता है। तो कल या परसों में टीम आ जाएगी, तो जब वो अपनी रिपोर्ट दे देगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है एस्टीमेट बना करके शासन को सबमिट किया जाएगा। उस पर बजट एलोकेट होगा, उस हिसाब से जो है इसका प्रोडक्शन वर्क किया जाएगा जो परमानेंट सोल्यूशन।